नवरात्र के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के दर्शन का विशेष महत्व है। मंगलवार को रामघाट स्थित ब्रह्मचारिणी मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोगों ने शीश नवाकर मां से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। मान्यता है कि माता ब्रह्मचारिणी के सहयोग से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की थी। माता के दर्शन पूजन से भक्तों के सभी पाप व बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। दो वर्षों तक नवरात्र व तीज त्योहार पर कोरोना का साया रहा, इस बार हालात सामान्य है। ऐसे में नवरात्र में लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। नवरात्र के प्रथम दिन लोगों ने माता के शैलपुत्री स्वरूप का दर्शन किया, तो दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन के लिए देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्रह्मचारिणी के दर्शन का विशेष लाभ मिलता है। ब्रह्मचारिणी मंदिर के महंत पंडित राजेश्वर सागर ने बताया कि अश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप से दर्शन पूजन का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। महंत पंडित राजेश्वर सागर का ऐसा है कि अश्विन में भगवती अश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीया को ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन होता है। अति प्राचीन काल से होता है। इनका दर्शन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इनका उत्पत्ति के विषय में है कि जिस समय ब्रह्मा ने भगवान शिव ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि जाइए आप सृष्टि की रचना कीजिए। अब सृष्टि की रचना के लिए जब भगवान ब्रह्मा जो है सृष्टि की रचना के लिए गए, तो उनके लाख प्रयत्न होने के बावजूद सृष्टि की रचना हो नहीं रही। और सृष्टि की रचना नहीं हो रही थी, वो बड़े परेशान हो गए कि उन्होंने कहा कि इतनी हम प्रयत्न कर रहे हैं उसके बावजूद सृष्टि की रचना क्यों नहीं हो रही। तो भगवान शिव के पास वापस ब्रह्मा गए, उन्होंने कहा कि प्रभु आपके आदेश अनुसार मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे सृष्टि की रचना हो नहीं पा रही है। तो फिर उन्होंने भगवान शिव ने बताया कि ऐसा है कि बिना शक्ति की उपासना के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। अब हमारी उत्पत्ति आपकी उत्पत्ति बिना सृष्टि की तो उससे हुई नहीं। उन्होंने कहा शक्ति की उपासना करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि भगवती शक्ति की उपासना कीजिए। तो ब्रह्मा ने जो घनघोर तपस्या भगवती की किया और जो भगवती जगदम्बा विराट स्वरूप प्रकट हुई है उनके सामने, अब प्रकट होने के बाद ब्रह्मा से पूछा कि क्या बात है, क्यों मेरी तपस्या कर रहे हो, उनको क्यों बुलाया। उन्होंने कहा भगवती बस इतना ही चाहते हैं माता की इस सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, इसमें आप अपनी कृपा दृष्टि बनाइए जिससे सृष्टि की रचना हो सके। तो भगवती जगदम्बा ने ब्रह्मदंड प्रमाण प्रदान किया, ब्रह्मदंड, उस ब्रह्मदंड के द्वारा इस सृष्टि की रचना हो, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारी। इनका दर्शन करने से ब्रह्मदंड की रचना तो हमने आपको बता दिया, और दूसरा क्या है कि इनका दर्शन पूजन करने से सर्वाबाधा विदुर्मुक्तो धन धान जितान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशय। कहने का तात्पर्य ये है कि इनकी उपासना करे और इस मंत्र का जप करे। प्रत्येक व्यक्ति जनमानस का जप करता है तो उसे किसी प्रकार के धन की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, हानि की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और भगवती की कृपा सदैव बनी रहेगी। और दूसरा हम आपको ये बताएंगे कि लोग कहते हैं कि चंडी पाठ सप्त सती पाठ, इसका मतलब होता क्या है। सप्त मतलब सात और सती मतलब सौ, और दोनों को जोड़ दीजिए तो 700 हो जाता है, समझे। 700 श्लोक उस पुस्तक के अंदर दिया हुआ है, इसलिए उस पुस्तक का नाम सप्त सती पड़ा। और उस पुस्तक के अंदर प्रत्येक श्लोक दिया गया है भगवती का कि ऐसी कोई भी चीज नहीं जो भगवती की उपासना से पृथ्वी पर इस समय तत्काल में प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवती स्वतः कह रही है कि यादि मिश्र हो गए बुधिर उपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः यादेवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संसा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि बिना लक्ष्मी के काम नहीं होना है। अगर आपको पूजन भी करना है, देवता का अर्चन भी करना है, तो उसमें लक्ष्मी की आवश्यकता है ना। तो लक्ष्मी के लिए भगवती की दुर्गा की अगर उपासना करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दुर्गा की उपासना करने से क्या होता है, लोग कहते हैं कि लक्ष्मी की उपासना करिए लक्ष्मी आएगी, लेकिन हम कहते हैं लक्ष्मी की नहीं दुर्गा की उपासना कीजिए। क्यों? क्योंकि दुर्गा में महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती है। जब तीनों का समन्वित एक जगह है, जब एक ही की उपासना करने से हमको तीनों चीज मिल जा रही है, तो हम अलग अलग उपासना क्यों करें, समझ रहे। तो ये भगवती दुर्गा की है, इनकी उपासना करने से तीनों का मिल जाता है। इसे जैसे आप बुद्धि चाहिए, पैसा आएगा तो बुद्धि भी चाहिए, कहाँ लगाना है, कैसा खर्चा करना है, तो इसके लिए भगवती सरस्वती जरूरी है उपासना।
और भगवती काली, अब आपके पास पैसा आएगा तो चाटो पीछे लग जाएंगे कि कैसा है कैसा है, इसके पास बहुत ज़्यादा धन है इसका छीन लो, समझ गए। इसलिए भगवती काली की उपासना करने से क्या है, वो शत्रु संहारिणी, वो भगवती काली जो है सभी शत्रुओं को शांत कर देती है। इसलिए भगवती में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये तीनों शक्तियाँ मिल के तब ये दुर्गा बनी, समझ रहे हैं ना। इनकी उपासना करने से सभी प्रकार का आनंद रहता है, कोई कष्ट नहीं होता है, सारे कष्ट दूर होते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।